हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा हम बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करें। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे मान लो सनापेवा, कॉम्बोपे या पेडकिया, ये एप्लीकेशन के द्वारा हम क्रेडिट कार्ड के पैसे जो बैंक में ट्रांसफ़र करते थे तो वहाँ पर चार्ज लगता था। तो दोस्तों आज मैं ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आपको जीरो चार्ज पर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम चलते हैं दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का पैसा हम अगर बैंक में लेते हैं तो पेटीएम में एड मनी करके ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर फोन पे से, या फिर और बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उससे हम बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको 1 रुपये का चार्ज भी नहीं लगेगा और क्रेडिट कार्ड का पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो एप्लीकेशन बता रहा हूँ मूवी क्विक के एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट बिना चार्ज लगे हम क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो मैं मूवी क्विक एप्लीकेशन ओपन करूँगा। दोस्तों ओपन करने के बाद में यहाँ पे ऊपर ही बैलेंस भी डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड मनी करेंगे। तो ऐड मनी करने के लिए हम कितनी ऐड मनी करनी है, तो मेरे को 1000 रुपये करनी है। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास 1 कार्ड का क्रेडिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे उसका नंबर डालूंगा। दोस्तों नंबर डालने के बाद में यहाँ पर एक्सपायरी कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। डेट डालने के बाद में यहाँ पे CVV नंबर डालेंगे हम कार्ड का। ये सब डिटेल डालने के बाद में पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे को जो 1 कार्ड के क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड का। पिन डालने के बाद में यहाँ पे शिप टू पे, तो इसको इधर करना है 1000 रुपये की। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया हमारे 1000 रुपये यहाँ पे। तो हम यहाँ से बाहर आएंगे। अब यहाँ पे बैलेंस भी देख सकते हो ऊपर 1084 पैसे। इन पैसे को हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे वो भी 0 चार्ज पर। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन और बताऊंगा आपको कि मूवी का जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे किया हुआ है उनका बिजनेस एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बिजनेस की पूरी डिटेल डालने के बाद में कोई भी डिटेल डाल दीजिए। आपकी पूरी डिटेल डालने के बाद में एक प्रॉब्लम बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर आप बैंक ऐड करो तो बैंक वही देख के ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे बार बार ऐड नहीं होता है। बैंक सिर्फ एक ही बार ऐड होता है, बाद में चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए हमारे को यहाँ इनसे संपर्क करना पड़ेगा। पूरी डिटेल देख लिए तो हम दोस्तों यहाँ पे इन 1000 रुपये को हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है स्कैन एंड QR, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे इनके जो QR कोड है उसको सर्च करेंगे दोस्तों। तो सर्च करने के लिए यहाँ पे हम QR कोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपने वहाँ पे बिजनेस अकाउंट बनाया था अपना, वो पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। 1000 को हमने बैंक में भेजना है तो 1000 रुपये यहाँ पर डालेंगे। 1000 रुपये डालने के बाद में यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आते हैं कि UPI के थ्रू भेजना चाहते हैं या अदर पेमेंट या ऊपर ऊपर वॉलेट बैलेंस। तो हम वॉलेट के पैसे यहाँ से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो पिन लगाना है तो मैं आप पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद में वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद में ये जो पैसे हैं हमारे वो वहाँ पे बिजनेस अकाउंट में चल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गए। अब हम जाएंगे बिजनेस अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिसीव पेमेंट 1000 रुपये रिसीव हो गए। अब ये पेमेंट दोस्तों कल तक हमारे बैंक में रिसीव हो जाएंगे। अपने क्रेडिट कार्ड के बिना चार्ज आप पैसे ले सकते हो इस तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक बिना 1 रुपये दिए चार्ज के आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे अपने बैंक में ले सकते हो। आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया है। अब ये इस बैंक में जो मेरा बैंक ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैं बैंक दिखा देता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसमें ये वो रिसीव हो जाएंगे हमारे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।